नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, ठीक है, उसके एसी पोर्शन पर यूडीएल लग रहा है 4 किलोन्यूटन पर मीटर का, और डीबी पोर्शन पर यूडीएल लग रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का, ठीक है, और डीबी पोर्शन में यूडीएल के साथ उसके बीच में 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी लग रहा है, ठीक है, और हमें इसका एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल लोड के बराबर हो जाएगी, तो टोटल लोड कितना आ गया हमारे पास 17 किलो न्यूटन। फिर किसी भी एक एंड के अबाउट मूवमेंट लेके उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें आर ए और आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। आर बी हमारे पास आया 9 किलो न्यूटन और आर ए हमारे पास आ गया 8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हर पॉइंट पर, एसएफडी भी तो बनाना है, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ए पॉइंट पर जो रिएक्शन है उसी के बराबर होगी, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इसको अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव लेंगे, तो ए पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 किलो न्यूटन हो जाएगी। फिर बात करें सी पॉइंट पर, ठीक है, सी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, या तो इसके लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट ले लो, या राइट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट ले लो। तो मैं इस तरफ से लेता हूँ, आर ए पॉजिटिव है 8 किलो न्यूटन, ठीक है, और 8 और ये इसको हम नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड को, तो 8 - 4 × 1.5, ठीक है, 8 8 - 4 × 1.5, तो हमारे पास सी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलो न्यूटन आ जाएगी, ठीक है, सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलो न्यूटन आ जाएगी। फिर बात करें डी पर, डी पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो रिजल्ट इसके बीच में तो कोई लोड नहीं है, मतलब कि जो इस पर रिजल्टेंट है वो इस पर रहेगा, तो डी पर भी शेयर फोर्स की वैल्यू 2 किलो न्यूटन ही होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं ई पर, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ इसी में इसी पोर्शन में आ रही है। तो देखो ई पॉइंट को हम दो पॉइंट में डिवाइड करेंगे, एक तो हम डिवाइड करेंगे ई वन में और एक डिवाइड करेंगे ई टू में, ठीक है। ई वन में हम क्या करेंगे, इस यूडीएल को कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट इसकी वजह से हो रहा है उसको कंसिडर करेंगे, और ई टू में क्या करेंगे, इस 5 किलो न्यूटन को कंसिडर करेंगे जो पॉइंट लोड आ रहा है उसकी वजह से। देखो कैसे, देखो यहाँ तक तो डी तक तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 2 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब ई पर इस यूडीएल की वजह से निकालो, ये कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, ये 1.5 मीटर तक लग रहा है 2 किलो न्यूटन का लोड, यानी दो में से हमें टू, यहाँ तक तो 2 किलो न्यूटन रिजल्टेंट है ना, तो 2 - 2 × 1.5, यानी कि दो में से हमको 3 माइनस करना है, तो दो में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, यानी कि ई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। और ई टू की वैल्यू निकालो, -1 तक तो रिजल्टेंट पर हम आ गए, फिर ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, 5 किलो न्यूटन का, तो -1 और यू की डाउनवर्ड लग रहा है, -1 -5, ठीक है, -1 -5, ई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -6, ठीक है। तो इस तरह से हमने डी पर भी रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, डी पर और ई पर, ठीक है, ई पर भी हमने फाइंड कर लिया। फिर हम फाइंड करते हैं बी पर, ठीक है, बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ तक तो हम -6 चलते आ रहे थे, ठीक है, और फिर ये यूडीएल आ गया, ठीक है, 2 × 1.5 कितना हो गया, मतलब कि -3 और आ गया, तो इसमें -3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये आर बी प्लस का 9 किलो न्यूटन, -9 + 9 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेंगे हम 0 पर, ठीक है। अब इसका एसएफडी बनाएंगे तो एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो ए पर शियर फोर्स की वैल्यू 8 किलो न्यूटन है, तो हम ऊपर की तरफ चले 8 किलो न्यूटन, ठीक है, 8 किलो न्यूटन चल लिया, ठीक है। फिर सी पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 2 किलो न्यूटन, सी पर शियर फोर्स की वैल्यू थी 2 किलो न्यूटन, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 2 किलो न्यूटन। तो ए और सी के बीच में यूडीएल लग रहा है, और यूडीएल की वजह से शियर फोर्स के साथ हमारे पास इंक्लाइंड आता है, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन आती है, तो इसको हम इंक्लाइंड मिला देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमने इंक्लाइंड मिला दिया, अब सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक 2 किलो न्यूटन है, तो मैं 2 किलो न्यूटन यहाँ से चलूंगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, डी तक 2 किलो न्यूटन, डी पर भी 2 किलो न्यूटन ही है। अब डी और बी के बीच में लग रहा है यूडीएल, ठीक है, अब हमें किस पर लेना है, हमें लेना है ई वन पर, ठीक है, क्योंकि हम इस यूडीएल की वजह से रिजल्टेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ तक 2 किलो न्यूटन है, और ई वन पर हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1, ई पर है -1, तो ये हमने ई पर -1 ले लिया। अब इसको मिला लो, ठीक है, ये हमने मिला लिया। अब देखो अब यहाँ पर, यहाँ मैं -1 तक आ गया, अब ऊपर से एकदम से पॉइंट लोड लग गया 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो मुझे मतलब -5 और चलना है, -1 तो आ गया मैं, मुझे -5 और चलना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं -5 और चलूँगा, ये चल गया मैं -5 तक और, ठीक है। फिर देखो इसके बीच में कितना आ जाएगा, फिर आर बी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 किलो न्यूटन होगी, ठीक है,
आरबी पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 9 किलोन्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको माइनस के 9 किलोन्यूटन की, ये हो गया माइनस के 9 किलोन्यूटन का। अब इनको और इनको मिला दो बस, ये मिला दिया हमने, तो ये बन गया हमारा एसएफ डी, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू पॉजिटिव में है और ये वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इस तरह से हमने एसएफ डी बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बीएमडी बनाना है। बीएमडी के लिए क्या करेंगे, हम हर पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करेंगे। तो ए और बी पर तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक्सट्रीम हिंज और रोलर सपोर्ट पे क्या होता है, मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। फिर फाइंड करना है हमें सी पर, तो इसके लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं या तो उनका मोमेंट ले लो, या इसके राइट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट ले लो। तो एमसी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास 8 किलोन्यूटन, ठीक है। तो 8 × 1.5 माइनस माइनस 4 × 1.5 × 1.5/2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एमसी की, ठीक है। एमसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एमसी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.5 किलोन्यूटन, ठीक है। क्या आ रही है एमसी की वैल्यू, 7.5 किलोमीटर डॉट मीटर, ठीक है। अब हमें किस में फाइंड करनी है, अब हमें फाइंड करनी है डी पर, ठीक है। तो डी पर वही 8 किलोन्यूटन, 8 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3, 8 × 3, ठीक है। और इस यूडीएल की वजह से फोर्स कितना होगा, 4 × 1.5, ठीक है, 6 किलोन्यूटन। और 6 किस पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा इसकी सीजी पर। तो इसकी सीजी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0.75 और फिर प्लस 1.5, ठीक है। तो हमारे पास एम डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास एम डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.5 किलोन्यूटन, ठीक है। डी पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी मोमेंट की, 10.5 किलोन्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे डी पर वैल्यू आ गई मोमेंट की 10.5 किलोन्यूटन डॉट मीटर। अब हमें ई पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो ई पर भी या तो लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट लो, या राइट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मोमेंट लो। राइट से लेना थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो इस तरफ से ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 9 × 1.5 माइनस 2 × 1.5 × 1.5/2, ठीक है। तो कितना जाएगा, ई पर हमारी मूवमेंट की वैल्यू आ रही है 11.25, ठीक है। ई पर वैल्यू कितनी आ रही है, 11.25। अब बात करें बी की, तो बी पर तो वैसे मूवमेंट जीरो है, ठीक है। तो अब हमें एस एफ डी बी एम डी बनाना स्टार्ट करते हैं। एस एफ डी हमने बना लिया है, बी एम डी बनाना बाकी है, तो बी एम डी बनाते हैं इसका, ठीक है। तो ए पॉइंट पर हमारे मूवमेंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। फिर बात करते हैं सी की, सी पॉइंट पर हमारे मूवमेंट की वैल्यू कितनी थी, सी पॉइंट पर हमारे मूवमेंट की वैल्यू थी 7.5, ठीक है। तो सी पर ये चले हम 7.5 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 7.5। और डी पॉइंट पर हमारी मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, डी पॉइंट पर हमारी वैल्यू थी 10.5, ठीक है। ये हमारा डी पॉइंट है, डी पर वैल्यू थी हमारी 10.5, ठीक है। फिर बात करते हैं ई पर, ई पर मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, ई पर मोमेंट की वैल्यू थी 11.25, ई पर मोमेंट की वैल्यू थी 11.25, ठीक है। और बी पर तो जीरो थी ही। तो ये देखो ए और सी के बीच में कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल की वजह से हमारा कैसा आएगा, यूडीएल की वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट आता है पैराबोलिक, ठीक है। तो इसको पैराबोलिकली मिलाएंगे हम, ठीक है, ये हमारा पैराबोलिक हो गया। अब देखो सी और डी के बीच में कोई लोड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो मतलब कि हम इसको कैसे मिलाएंगे, इंक्लाइंड मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, इंक्लाइंड, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं इंक्लाइंड, ये हमारा इंक्लाइंड हो गया। अब देखो डी और ई के बीच में क्या लग रहा है, डी और ई के बीच में लग रहा है यूडीएल, ठीक है। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे पैराबोलिकली, ठीक है। कैसे मिलाएंगे इसको, पैराबोलिकली मिलाएंगे, ये हमने पैराबोलिकली मिला लिया, ठीक है। अब देखो बी और ई के बीच में, ई और बी के बीच में कैसा लग रहा है, यूडीएल है। तो इसको भी हम पैराबोलिकली ही मिलाएंगे, ठीक है। ये लो हमने इसको पैराबोलिकली मिला लिया, ठीक है। तो हमारा बीएमडी कैसा बना, हमारा बीएमडी बना पूरा पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमने एसएफडी और बीएमडी बना लिया, ठीक है। तो हमने शियर फोर्स फाइंड किया, फिर एसएफडी बनाया इस टाइप से, फिर हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया और बीएमडी बनाया हमने इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।